हरे कृष्णा। महाभारत विजडम सीरीज के सेशन 2 में आप सभी का स्वागत है। और हमने कल जिस प्रकार से चर्चा की थी कि महाभारत ग्रंथ के बारे में कि वो कितना विशाल ग्रंथ है, वो 7 गुना इलियड और ओडिसी ये काव्य से भी बड़ा है। फिर उसके बाद हमने ये चर्चा की थी कि महाभारत को 3 स्तर पर हम जान सकते हैं। वो 3 स्तर इस प्रकार से हैं, सर्वप्रथम ऐतिहासिक शाब्दिक स्तर पर, फिर दूसरा नैतिक स्तर पर कि हम क्या सीख सकते हैं, तीसरा मेटाफोरिकल स्तर पर या वो ऐसे स्तर पर जहाँ पर हम आध्यात्मिक चीज़ों को जान सके, भगवान के महात्मा को जान सके और उससे हम क्या सीख ले सकते हैं उदाहरणार्थ। और हमने फिर चर्चा की थी कि किस प्रकार से कर्ण, जिनको सदैव लगता था कि जन्म से उनके प्रति इंजस्टिस हुआ है, जन्म से उनके प्रति अन्याय हुआ है, वे क्षत्रिय थे पर क्षत्रिय जैसा सम्मान उनको कभी प्राप्त नहीं हुआ और वो धनुर्धर, महान धनुर्धर बनना चाहते थे और इसके लिए वो प्रयास भी कर रहे थे कि वो एन प्रकार है ना लोग उनको जान सके कि वो कितने महान हैं, कैसे हैं। और इस प्रयास में उन्होंने अनेक गुरुकुल या गुरु के पास जाने का प्रयत्न किया, द्रोणाचार्य के पास, फिर उसके बाद परशुराम जी के पास। परशुराम जी के पास जाने के बाद उनको ज्ञान प्राप्त होता है, पर उन्होंने झूठ कहकर कहा था कि मैं भी ब्राह्मण हूँ और मैं आपसे शिक्षा लेना चाहता हूँ, इसी के कारण उनको श्राप मिलता है। अब इस कथा को आगे बढ़ाते हैं और आज हम कुछ प्रसंगों को प्रश्न के माध्यम से जानने का प्रयत्न करेंगे। जितनी भी धारणा है कर्ण के प्रति, वो सही धारणा हो या बुरी धारणा हो, प्रो हो या अपोजिट में हो, जो भी हो, हम एकदम न्यूट्रल पर्सपेक्टिव रखकर ध्यानपूर्वक हिस्ट्री में जैसा इंसिडेंट हुआ, इतिहास में जैसा हुआ है, वैसे उसको अभ्यास करने का प्रयत्न करेंगे। और हम सब कहीं ना कहीं कर्ण को रिलेट कर पाते हैं क्योंकि हर एक व्यक्ति को लगता है कि मैं पूर्ण रूप से, लोगों ने मेरी क्षमता को जाना नहीं, मुझे प्रशंसा नहीं किया, मुझे प्रेम नहीं किया, मुझे जानने का प्रयत्न नहीं किया। तो हर व्यक्ति को ये कहीं ना कहीं लगता ही है। इसलिए हम प्रयास करेंगे कि कर्ण की मानसिकता को समझने का, कर्ण क्या विचार करते थे, कर्ण का जीवन आगे कैसे बीता। और आज बहुत ही कनेक्टिंग डे है। आज विश्व भर में जो May 3, 1978 में जिम कार्टर नाम के अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने हेस नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने May 8, 1970 को अर्थ डे करके जब सेलिब्रेट करना प्रारंभ किया पृथ्वी दिवस करके, ताकि पृथ्वी को बचाया जाए, पृथ्वी के होने वाला हानि या औद्योगिकरण के कारण जितना उसको प्रदूषण हो रहा है उसको कहीं रोका जाए, पर्यावरण को मेंटेन करे। तो देखिए कितना बड़ा विरोधाभास है, अमेरिका ही सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करता है इस सब पृथ्वी को खराब करने में और जल को खराब करने में, वायु को खराब करने में, परंतु एटलीस्ट वो जान चुके हैं अभ्यास करके कि ये बहुत देर तक नहीं चल सकता है, तो ये प्रयत्न कर रहे हैं कि इससे हम उभर सके। तो इनकी सहायता से May 3, 1978 से ये सूर्य दिवस करके मनाया जाता है और सौर्य शक्ति पर फोकस किया जाता है कि सोलार एनर्जी कैसे हम प्रोड्यूस करें, ये कोल एनर्जी, फिर उसके बाद जिसको थर्मल भी कहा जाता है, या अन्य मार्ग, आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगा, ये नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस है, पुनः पुनः नहीं आ सकते हैं, परंतु सौर्य शक्ति का अगर हम उपयोग करें तो हम बहुत देर तक बिजली का निर्माण कर सकते हैं और यही सस्टेनेबल है। तो आज सूर्य का दिवस मनाया जाता है विश्वभर में और सूर्य के पुत्र के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये जो सूर्य के पुत्र है कर्ण, जिनको कभी पता नहीं चला, बाद में पता चलता है कि सूर्य के पुत्र है या कुंती के पुत्र है, सर्वप्रथम प्रश्न और बहुत सारे लोगों के मन में आता ही है, डायरेक्टली हम उसको पूछते हैं, उससे जानने का प्रयत्न करते हैं, वो प्रश्न ये है कि जब कर्ण का रथ युद्ध भूमि में, धरती में या मिट्टी में फंस गया था, तो उस समय कर्ण रथ से नीचे उतरते हैं तो अर्जुन का उन पर प्रहार करना और उन पर आक्रमण करना ये अधार्मिक नहीं है, ये वॉर का वायलेशन नहीं करता है, जो कोड्स है, जो नियम है उसको तोड़ता नहीं है। इसका उत्तर इस प्रकार से है कि इनके प्रति ही केवल मात्र अहित नहीं किया गया था, पहली बार युद्ध के इसको तोड़ा नहीं गया था नियमों को, जीवन भर पांडवों को, खास करके भीम को बचपन में विष दे के मारने का प्रयत्न और उसके बाद वारणाव्रत में जला के राख करने का प्रयत्न सब पांचों पांडवों को, ये भी इसी प्रकार का ही कार्य था। और अगर युद्ध स्पेसिफिक से हमको जानना है तो 16वें दिन
सिक्सटींथ डे को जब या थर्टींथ डे को अभिमन्यु चक्रव्यूह में अंदर चले जाते हैं और परास्त करते हुए सभी चक्रव्यूह के जितने भी गेट्स है उसको तोड़ते हुए, ऐसा शौर्य कौरवों ने ना कभी देखा था ना कभी सुना था। उन्होंने अर्जुन से बहुत बार लड़े थे पर अभिमन्यु उनके पुत्र के बारे में इतना ज्ञान नहीं था। पुत्र जब बाप से भी बढ़कर लग रहे थे तो सभी योद्धा प्रयत्न कर रहे थे उनको रोकने के लिए। कर्ण भी प्रयास करते हैं, कर्ण भी दो बार हार जाते हैं और उसके बाद बाकी सब योद्धाओं को कर्ण कहते हैं, टिप देते हैं कि इसको ऐसे हराना नैतिकता से असंभव है। सब लोग एक साथ आ जाते हैं और नियम क्या पालन कर रहे हैं हम कि जो भी व्यक्ति रथ पर नहीं है धरती पर है तो रथ पर खड़ा हुआ योद्धा रथ पे हुए योद्धा से लड़ेगा और बाकी जो पैदल सैनिक है वो पैदल सैनिकों से लड़ेंगे। तो नियम ये था कि युद्ध से पहले धृष्टद्युम्न और भीष्म ने ये चर्चा की थी कि हम नियमों का पालन करेंगे पर जो भी व्यक्ति इस नियमों को तोड़ेगा, समझो पांडव कह रहे हैं कि कौरव आपने पहली बार तोड़ा तो हम भी साधुओं की तरह चुप नहीं रहेंगे और आप ये अपेक्षा भी मत करना कि हम केवल पालन करते रहेंगे और आप कोड्स तोड़ते रहोगे, आप नियम को तोड़ते रहोगे। तो इसलिए सर्वप्रथम नियम को, ये नियम को तोड़ने वाले थे कौरव। जैसे ही अभिमन्यु धरती पे है, निहत्ता है, अकेला है, उनके हाथ में कोई अस्त्र नहीं है, छे छे महारथी लोग, वो भी कर्ण ही इंस्टिगेट करते हैं दुर्योधन को कि इनसे लड़िए और ये छह लोग मिलकर और इसके साथ कर्ण के पुत्र भी वृषेण बाणसेन और ये सब मिलकर उनको मार देते हैं। कुछ लोग पीछे से, कुछ लोग बाएं दाएं, हर जगह से मिलकर मारते हैं। तो ये पहली बार नियम का उल्लंघन हुआ। तो एक ही इसी बार नहीं हुआ, जब यहाँ जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा लेते हैं हमारे अर्जुन और वो आक्रमण करते हैं और आगे आगे बढ़ते हैं तो वो प्रयत्न करते हैं, 17वें दिन है और वो देखते हैं कि किसी प्रकार से सभी कौरव लोग एक साथ अर्जुन पर अटैक करते हैं क्योंकि उनको जयद्रथ को रोकना है, जयद्रथ के पास पहुंचने नहीं देना है, अर्जुन को रोकना है। उस प्रयास में जब अर्जुन एकदम भीष्म युद्ध करते हैं और अंदर जाते रहते हैं तब सब कौरव एक साथ उन पर अटैक करते हैं। इतना ही नहीं, कृष्ण उनको कहते हैं कि हमारा घोड़ा थक गया है, या तो उनको जल चाहिए, खाने को कुछ चाहिए। तो अपने दिव्य अस्त्र से वहीं युद्ध भूमि में एक तालाब का निर्माण करते हैं और उस पूरे तालाब के आसपास हरी भरी घास है और अर्जुन रथ से नीचे उतरते हैं, घोड़ों को कृष्ण पानी पिलाने के लिए और खिलाने के लिए साइड ले जाते हैं। अर्जुन नीचे खड़े हैं फिर भी वो युद्ध लड़ते हैं, कोई बहाना नहीं करते हैं, कोई कारण नहीं देते हैं कि मैं नीचे खड़ा हूं क्या करना है। अभी जब ऑल आउट वॉर है तो आपको कभी कभी ये नियम टूटेंगे आपका, और इन्होंने पहले ही तोड़ दिया है। अभी दूसरी बार यहां पर 13वें दिन तोड़ चुके हैं और अभी ये नेक्स्ट जब जयद्रथ को 17वें दिन मारने का प्रयत्न कर रहे हैं या फिर 13वें दिन अभिमन्यु के यहां पर उन्होंने तोड़ दिया, 14th डे को जब जयद्रथ को मारने का प्रयास करते हैं तो उस दिन 14वें दिन में सभी कौरव लोग इन पर कंटिन्यूस अटैक करते हैं। तो अर्जुन हाथ पीछे रखकर चिल्लाते नहीं रहते कि रेफरी कहाँ है, रेफरी कहाँ है, नियम का पालन करो, कहाँ पर है एम्पायर, नियम पालन नहीं हो रहा है, चीटिंग हो रहा है, रूल्स को कौन फॉलो करेगा, कोड ऑफ कौन फॉलो करेगा, युद्ध है, ऑल आउट वार, आपको लड़ना पड़ेगा। और अर्जुन लड़ते हैं और उन सब कौरवों को रोकते हैं, तब तक घोड़ा आ जाता है रिटर्न और कृष्ण रथ चलाते हैं, फिर अर्जुन फिर वॉर करते हैं। तो ये तो कौरवों ने तोड़ा था, कर्ण नहीं थे। 17वें दिन, जबकि 16वां दिन को कर्ण स्वयं सेनापति बनते हैं और 16 और 17 दो ही दिन रहते हो क्योंकि 17वें दिन उनका अंत हो जाता है, 18वां दिन शाल्य सेनापति बनते हैं, वो 18 दिन के युद्ध का महाभारत का। कर्ण एक दिव्य अस्त्र लेते हैं और उस दिव्य अस्त्र में अर्जुन के शत्रु वे भी समा जाते हैं जो कि सर्प के समान थे और बहुत विषैली था। और हमेशा जब लड़ते थे अर्जुन तो उनका स्ट्रैटेजी कैसा हुआ करता था, उनका स्ट्रैटेजी बहुत सिंपलिस्टिक था। इस प्रकार से स्ट्रैटेजी था कि जितने भी योद्धा है उनके बाण को तोड़ना है और कुछ बाण उनको लगता है कि मैं बिजी हूँ किसी के साथ लड़ने के लिए तो दूसरे बाण को अपने जो कवच है उस पर आके लगने देते थे क्योंकि उनका कवच बहुत स्ट्रांग था तो उनको लगता था कि बाण आकर लगेगा तो कुछ होगा नहीं। यहाँ पर कर्ण ये दिव्य अस्त्र को निकालते हैं, शाल्य उनको कहते हैं देखो ये दिव्य अस्त्र है इससे मृत्यु निश्चित होगी तो आप काम करिए छाती पर एम लगाइए। जब आप हृदय और छाती पर एम लगाओगे तो कम से कम निशाना लगाओगे तो अगर छाती पर नहीं लगा नीचे पेट पे भी लग गया तो भी उनकी मृत्यु होगी या सिर पे लगा या गर्दन पे लग गया तो भी मृत्यु होगी।
तो कृपा करके आप यहाँ पर एम लगाइए। परंतु कैसा है, कर्ण वो बहुत सारे क्रिकेटर जैसे कि मुशफिकुर रहीम है बांग्लादेश का, 3 बॉल में 2 रन चाहिए था 2016 के T20 वर्ल्ड कप के एक मैच में, और वहाँ पर 3 बॉल में 2 चाहिए तो सिर्फ नज करके सिंगल निकाल सकते थे, खेल खत्म हो जाता था। परंतु उनको 6 मार के जैसे बॉल बाउंड्री के बाहर भेजना था ताकि एक्साइटिंग विन हो, लोग हमेशा याद रखे रहीम को कि कैसे मैच जिताया। तो हमारे कर्ण भी हीरो बनने का प्रयत्न कर रहे थे और कहते कि मैं सर को धड़ से अलग करूंगा। कृष्ण ये देखते और कृष्ण अपने पैर से उस रथ को थोड़ा वजन लगाकर दबाते हैं तो धरती में चला जाता है, और जब ये धरती के अंदर चला जाता है पहिया उसका, थोड़ा हाइट कम हो जाता है, तो कृष्ण जो बाण मारा जाता है अर्जुन के मुकुट को लगकर मुकुट गिर जाता है, अर्जुन का प्राण बच जाता है। तो रथ अभी नीचे समा गया है, इमोबिबल है, हिलेगा नहीं। तो ये भी रिलीजियस कोड है, ये भी युद्ध का कोड है कि अगर आपका रथ फंस गया है तो व्यक्ति को रथ निकालने तक आपको आक्रमण नहीं करना है। करना उसी दिन जिस दिन उसके साथ ये इंसिडेंट हुआ उसी दिन कंटिन्यूअस बाण मारते रहे और अर्जुन ने कोई कारण नहीं दिया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो एक व्यक्ति का स्मरण शक्ति इतना खराब कैसे हो सकता है। सुबह उन्होंने ही उस कोड को फॉलो नहीं किया, 13वें दिन उन्होंने फॉलो नहीं किया और उस बेचारे टीनेजर को मार दिया अभिमन्यु को, 14th डे में अर्जुन के ऊपर सब कौरवों ने अटैक किया, ये क्या ज्ञान नहीं कर्ण को। और 17वें दिन सुबह अटैक करता है और शाम को जब मर रहा है और वो रथ निकालने का प्रयास कर रहा है रथ का पहिया, तभी कृष्ण कर्ण की ओर देखते हैं और कर्ण कहते हैं हे वसुदेव आप तो धर्म के ज्ञान को जानते हो और इसको जानते हो, वो नियम को जानते हो, नैतिकता कैसी होनी चाहिए। फिर कर्ण को एक एक करके कृष्ण याद दिलाते कि नैतिकता क्या है। जब इनको विष देकर मारने के लिए गए थे आपकी नैतिकता कहाँ गई थी, वारणाव्रत में जला के राख करते समय आप कौरवों के साथ थे, आपकी नैतिकता तब कहाँ गई। द्रुत क्रीड़ा में शकुनी द्वारा, कपटी शकुनी द्वारा चीटिंग करके इनको हराया गया उस सभा में, और तुमने उस दिव्य नारी को द्रौपदी जो यज्ञ से प्रकट हुई है किसी के माँ के गर्भ से नहीं, उस स्त्री को निर्वस्त्र करके अपमानित करके वैश्या करके तुमने शब्द कहा और तुमने अपने शरीर के अंगों को दिखाने का प्रयास किया और उसके साथ एक वैश्या की तरह बिहेव करना चाहिए, दासी हमारे ऐसे शब्दों का, दुष्शब्दों का आपने उच्चार किया आप शब्दों का, तब आपकी नैतिकता कहाँ गई कर्ण। अभिमन्यु को जब आप लोगों ने 6 लोगों ने एक 16 साल के इंसान को, बच्चे को, टीनेजर को सब लोग मिलकर मारे, नैतिकता कहाँ गई तुम्हारी कर्ण। इतना सब सुनने के बाद कर्ण शर्म से अपने सर को झुका लेते हैं। अब कृष्ण ने ऑलरेडी वार्निंग दे चुके हैं कि अर्जुन रुकेगा नहीं क्योंकि तुमने ये चालू किया है, अंत हम करेंगे। तो कम से कम उनको वो कारण देते हुए बैठ नहीं जाना चाहिए था, रथ निकालना नहीं चाहिए था, रथ का पहिया लड़ना चाहिए था जैसे अर्जुन ने जमीन पर खड़ा होकर भी लड़ा, या कम से कम रथ के ऊपर जाकर लड़ना था। उन्होंने दोनों भी नहीं किया क्योंकि उनको मालूम है कलयुग में शिवाजी सावंत जैसे उनके फॉलोअर जन्म लेंगे और मृत्युंजय पुस्तक लिखेंगे, और मृत्युंजय पुस्तक लिखकर यहाँ पर स्पिन देकर महाभारत को ठीक तरह न जानते हुए, और उनको पता होगा कि अधिकतर भारतीय टाइम नहीं निकालेंगे पूरा डिटेल में पढ़ने के लिए, तो ये हम उनको कारण दे सकते हैं आसानी से और उनको हीरो बना सकते हैं। तो कर्ण के पास पूरा मौका था लड़ने के लिए, अपने प्राण को बचाने के लिए, और कम से कम वो नैतिकता का दुहाई तो बिल्कुल नहीं दे सकता है। दूसरा प्रश्न, और ये सबको लगता भी है और बहुत फॉलोअर्स उनके, जो कर्ण के फॉलोअर्स जो है उनको बहुत बार ऐसा लगता है, तो हम थोड़ा एग्जामिन करते हैं महाभारत के स्तर पर। कर्ण क्या अर्जुन से बेटर आर्चर था या अच्छा धनुर्धर था? स्टोरी के माध्यम से, एक एक इवेंट्स के माध्यम से हम सिस्टमैटिकली एनालाइज करते हैं। पहला इवेंट है जब गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने के बाद सभी कौरव, पांडव और अश्वत्थामा वापस लौटते हस्तिनापुर में, तो सभी जो बड़े लोग हैं उनके घर वाले, साधारणतः हर पिताजी को, हर दादाजी को, हर लोगों को, फैमिली लोगों को देखना होता है कि बच्चा मेरा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से सीख के आया, बच्चा मेरा ICC क्रिकेट अकेडमी में सीख कर आया, कैसा बैटिंग करता है मैं देखने की इच्छा है। तो इनकी भी इच्छा होती है कि कैसे आप प्रदर्शन करते हो, सब लोग अपना अपना शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। फाइनली भीम और दुर्योधन का युद्ध प्रारंभ होता है और वो युद्ध एकदम रियल में टर्न आउट होता है, एक दूसरे के प्रति इतना एनिमिटी देखकर लोग घबरा जाते हैं, परंतु भीम अपना द्वेष नहीं था भीम को, पर दुर्योधन को बहुत था भीम के प्रति, तो ये मार मार रहे थे।
तो इनको कैसा तो छुड़ाया गया, फिर अर्जुन और दुर्योधन के बीच हुआ, फिर अर्जुन जीत गए। तो एक व्यक्ति अचानक वहां से परशुराम के यहाँ से नीचे हिमालय की ओर नीचे आते हुए गेट क्रैश करके व्यक्ति अंदर आता है, अपने कलाओं का प्रदर्शन करता है, और प्रदर्शन करने के बाद देखते हैं सब लोग प्रभावित हो जाते हैं। तो ये पहला डिंग दे रहा था कि मैं अर्जुन से एक्सेल कर सकता हूं, पर जब प्रदर्शन करता है तो अर्जुन के इक्वल आता है, एक्सेल नहीं कर पाता है, उनके बराबर आ जाता है कलाओं में, क्योंकि अर्जुन ने पूरी अपनी कलाएं दिखाई नहीं थी, जितना दुर्योधन को दिखाने की आवश्यकता थी हराने को उतना ही दिखाया। चलो फिर भी कर्ण उनके इक्विवेलेंट आए। तो हम लोग एक हॉकी मैच खेल रहे हैं और उसमें देख रहे हैं कि स्कोर रखते हैं, तो यहाँ पर दोनों का द्वंद होने वाला था, पर सूर्यास्त हो गया इसलिए अभी आगे नहीं हो सकता है। तो पहला मैच, पहला एनकाउंटर जो इनका हुआ वो स्कोर रहा 0-0। नेक्स्ट एनकाउंटर इनका होता है वो है जब राजा द्रुपद के यहाँ पर हमारे जो द्रोणाचार्य है, जिनको ये लोग कहते हैं कि आपको गुरु दक्षिणा क्या चाहिए, तो कौरव और पांडव को कहते हैं कि द्रुपद को हराओ। द्रुपद और द्रोणाचार्य का क्या वैर है, हम जब द्रोणाचार्य का या द्रुपद राजा का कैरेक्टर सीरीज आएगा तब हम चर्चा करेंगे, परंतु अभी उनको हरा कर मुझे गुरु दक्षिणा दीजिए आप और मैं उससे संतुष्ट हूँगा। तो पांडव जा रहे थे तो कृष्ण कहते पहले कौरवों को जाने दो। फिर कौरव जब जाते हैं उन पर आक्रमण करते हैं तो कर्ण कहता मैं भी आऊंगा, तो कहते नहीं हम तो जो शिष्य थे वही कर सकते हैं। पर दुर्योधन क्या है, बाकी सबको समझाता है रहने दो ना, कहाँ गुरु को पता चलने वाला कौन हमारे साथ आया क्या आया, मतलब फील्डिंग लगाया आपने, और कभी कभी गांव साइड में जब क्रिकेट वगैरह रहता है तो एक फील्डर एक्स्ट्रा लगा देते हैं ताकि उनको गिनते नहीं रहता ना कोई इतना, तो वैसे इनको भी अंदर टीम में ले लेते हैं। और जब द्रुपद पर आक्रमण करते, द्रुपद इतना शक्तिशाली था कि दुर्योधन को हरा देते हैं, दुशासन को हरा देते हैं और कर्ण को भी परास्त करके रख देते, सब डर के मारे भाग जाते हैं पर दुर्योधन को बंदी बना लेते हैं। फिर उसके बाद पांडव आते हैं, पांडव में अर्जुन और भीम युद्ध करते हैं, मेन भीम बाकी सेनाओं को समझते हैं, बाकी रथियों को, और महारथी द्रुपद को अर्जुन हराते हैं। जिस क्षण अर्जुन को हराते हैं, द्रुपद जो भी हरा हुआ व्यक्ति रहता है साधारणतः उसके मन में प्रतिशोध की भावना रहती है, प्रतिशोध की भावना से तो सब कार्य चल रहा था द्रोण और द्रुपद के बीच, परंतु द्रुपद इंप्रेस होता है और कहता है दामाद चाहिए किसी को तो अर्जुन जैसा, अगर मुझे पुत्री हुई तो इस यही मेरी पुत्री का पति बनेगा। इसके लिए वो यज्ञ करते हैं और यज्ञ से द्रौपदी और धृष्टद्युम्न आते हैं। एक तो उनका उद्देश्य था द्रोणा को मारने के लिए धृष्टद्युम्न, और ये द्रौपदी यज्ञ से आई है तो छोटा मोटा उनको बचपन से स्कूल जाना वो सब करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, द्रौपदी को तुरंत बड़ी थी इसलिए उनसे विवाह कर सकी, अगर आपको किसी को डाउट आ रहा है कि एज डिफरेंस कितना है। तो इस प्रकार यहां पर हम देखते हैं कि द्रुपद राजा ने कर्ण को हराया, बाकी कौरवों को हराया और अर्जुन ने द्रुपद को हराया, तो स्कोर अभी हो गया 1-0। तीसरा है जब वो काम में वन में वानव्रत में थे, और वानव्रत में वनवास में जब उनको देश निकाला कर दिया गया था और वनवास में वो भोग रहे थे हमारे पांडव लोग, तो उनको कर्ण ही आइडिया देते हैं कि एक काम करते हैं कि हम पूरे अपने पत्नियों को सबको लेके जाते हैं, और जितना भी हमारे पास सोना चांदी वेल्थ सब है और जितने भी हमारे पास धन संपत्ति है उनको दिखाने का प्रयत्न करते हैं, ताकि ये भिखारी हो चुके हैं पांडव उनको जलाते हैं। कोई व्यक्ति भूखा है लॉकडाउन में खा नहीं रहा है और उसके सामने आप लेकर आओ एकदम पिज्ज़ा, डोमिनोज पिज्ज़ा, वो भी 500 रुपये वाला, और उसके सामने खोल कर खाना प्रारंभ कर दो, तो उसको बेचारे को कैसा लगेगा। तो इतने दुष्ट प्रवृत्ति का कर्ण का साइकोलॉजी था, साइकोलॉजी का अभ्यास करो आप, और ये क्यों हो रहा है साइकोलॉजी वो भी मैं लास्ट में बस आपको बताऊंगा सिस्टमेटिकली। वो जो इवेंट था उस इवेंट को पुनः हम जाते हैं, वो एग्जीबिशन का जो मैच हुआ स्टेडियम में, वहां पर कर्ण को कोई साथ देने वाला नहीं था। जब अर्जुन से युद्ध से पहला जब कृपाचार्य कहते कि आपका बैकग्राउंड बताओ, नेचुरली यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम है, कोई भी व्यक्ति बिना आईडी का अंदर आ गया है, और फिर पूछेंगे ना आप कौन से यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, तो उनको जब पूछा गया तो कर्ण को सिर झुका लिया। परंतु फिर दुर्योधन देखता है कि भीम को मैं हरा सकता हूँ, मुझे व्यक्ति मिल गया जो कर्ण को अर्जुन को टफ दे सकता है, तो इस व्यक्ति को पहला समतावाद का भाषण देता है दुर्योधन। दुष्ट दुर्योधन के मन में कोई प्रेम नहीं है कर्ण के प्रति, पर अपने को मिल गया है पैदा जो इससे लड़ सके, तो अपना स्वार्थ निकालने के लिए उनको राजा घोषित करता है और कहता है तुम अंग प्रदेश के राजा, अंग इज ईस्टर्न इंडिया, मे बी अराउंड बंगाल एंड आसाम वो सब एरिया, तो उनको उसका राजा घोषित करता है। अब एक बात बहुत मजेदार है,
स्वयं धृतराष्ट्र केयरटेकर किंग है, वो राजा नहीं है। जब तक युधिष्ठिर राजा होने वाले थे तो दुर्योधन केवल राजकुमार था तभी, फिर भी उसने घोषणा कर दिया कि मैं तुमको देता हूँ, तुम्हारा प्रॉपर्टी नहीं तो तुम घोषणा कैसे कर दिया। फिर भी बाकी पांडवों ने और जो कुंती थी उन्होंने सोचा कि कौरवों ने घोषणा किया है, सबके सामने हमारा अपमान हो जाएगा, दुनिया के हम एक दूसरे के बीच कुछ भी हमारा रहेगा पर दुनिया के लिए तो हम कौरव है, तो दुनिया के सामने हमारा अपमान हो, इसलिए शांति से रहे और वो अंग प्रदेश के राजा घोषित हुए। ये क्षण में कर्ण को लगता है कि जब व्यक्ति वीक है, जब इमोशनली बहुत डाउन है, कोई व्यक्ति उनको सपोर्ट करता है तो उस व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ हो जाते हैं, और ये मेन रीजन था अटैचमेंट दुर्योधन के प्रति कर्ण का। और कृतज्ञता होनी चाहिए मदद किया तो, पर मदद क्यों कर रहे हैं वो व्यक्ति वो भी तो जानिए, इंटेंशन तो जानिए आप कि क्यों कर रहे हैं, कि केवल मदद लेना है, तुम्हारा कोई नीड है, तुम्हारी कोई इच्छा है, तुम्हारी कोई जरूरत है तो कोई भी दे दे तो चलता है। तो इस प्रकार यहां पर काम्यवन वन में जब आते हैं तो हाथियों पर बैठकर उनको चिढ़ाने का प्रयत्न करते हैं, परंतु एक तालाब बीच में आता है सुंदर, उसको देखकर दुर्योधन को लगता है अपना ही राज्य है, थोड़ा नहाते हैं। गंधर्व वहां पर बोर्ड लगाए थे, ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, प्राइवेट लेक ओनली फॉर गंधर्वास, क्लियरली लिखा था अंदर मत घुसिए। फिर भी दुर्योधन कहता है अपना है, तो दुर्योधन जाने नहाने का प्रयत्न करते, गंधर्व आक्रमण करते हैं, फिर उसके बाद दुशासन को और कर्ण को इतना गंधर्व परास्त करते और इतना घायल करते हैं, भाग जाते डर के मारे और बेचारा दुर्योधन को बांध के रख देते हैं। और जब इनको पांडवों को वही रास्ते से आ रहे थे, तो पांडव जब देखते हैं किस प्रकार से इनके साथ हुआ है, तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं भीम को, भीम और अर्जुन को जाओ उनको छुड़ाओ, अपने भैया है दुर्योधन को छुड़ाओ। भीम कहता है नियति और नीति ने उनको हमारे प्रति इतना उन्होंने दुष्ट कार्य किया है, अरे भैया ऐसे मर रहे तो मरने दो ना पापी लोग को। पर युधिष्ठिर महाराज तब उनको अपना डिप्लोमेसी बताते और कहते हैं देखो दुनिया कैसे याद रखेगी कि आपने असहाय रूप से पड़ा हुआ दुर्योधन बंधा हुआ था और भीम ने उनको छुड़ाया, तो भीम को लगता है हाँ ये ठीक है फिर मैं छुड़ाता हूँ। तो भीम जाते हैं अन्य गंधर्वों से लड़ते हैं, जो मुख्य गंधर्व था उनसे अर्जुन लड़ते हैं और अर्जुन उनको परास्त करते हैं। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि वो गंधर्व जो थे, जो देवताओं के एकदम निचले स्तर के देवता है, निचले स्तर का अर्थ ये नहीं कि उनका कॉन्शियसनेस खराब है, शक्ति के अनुसार पावर के अनुसार गंधर्व वायु चंद्र इंद्र वरुण इनके स्तर के नहीं है, तो ये जो गंधर्व है इनको हराते हैं अर्जुन। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पर कर्ण हार गए गंधर्व द्वारा और गंधर्व को हराया अर्जुन ने, तो स्कोर हुआ 2-0। चौथा इंसिडेंट जहां पर हम देख सकते हैं कि वे किस प्रकार से द्रौपदी का स्वयंवर है, तो द्रौपदी के स्वयंवर में सभी लोग आते हैं क्षत्रिय, और स्वयंवर का अर्थ ही है कि वो स्वयं चुनेगी, तो उसको हम डिटेल में बाद में जाएंगे जब द्रौपदी का प्रसंग आएगा कर्ण के साथ। परंतु यहाँ पर अर्जुन जीतते हैं, ब्राह्मण के रूप में आते हैं, भिक्षुक के रूप में, और परमिशन लेकर राजा से, धृष्टद्युम्न से, राजकुमार से और राजा द्रुपद से फिर वो ये करते हैं। वो क्षत्रिय वधु वर मिला हुआ था, या क्षत्रिय वधु वर एक ही, वर अनेक थे, वधु एक ही थी, तो बहुत सारे माली थे पर फूल एक ही था द्रौपदी, और उनके सौंदर्य को देखकर सभी आकर्षित हो गए, सब राजा ने प्रयास किया, कोई नहीं जीत पाए, अर्जुन जी जीत गए। और अर्जुन जीतने के बाद ये सब क्षत्रिय लोगों को फिर दुर्योधन और कर्ण का काम क्या है, भड़काऊ भाषण, तो ये सब क्षत्रियों को जमा करते हैं और अपना भड़काऊ भाषण देते हैं कि देखो हमको द्रुपद राजा अपमानित करने के लिए ये भिखारी जो लोग आए हैं, ब्राह्मण भिखारी जो वन में घूमते हैं, इनके पास कुछ नहीं है, इनसे हमको अपमानित करने के लिए सब क्षत्रियों को यहाँ पर बुलाया है, मैच फिक्स था, ऐसा वो कहते हैं। तो सब क्षत्रिय आक्रमण करते हैं, पहले तो उनको रोकते हैं, परंतु जब युद्ध परिवर्तित हो जाता है तो राजा शाल्य को भीम पीटने लगते हैं और कर्ण और अर्जुन का युद्ध होता है, परंतु कर्ण और अर्जुन कर्ण को रोकते हैं, और फिर बाद में कर्ण जब देख रहे हैं कि भारी पड़ रहा है अर्जुन जो ब्राह्मण के रूप में था, तो फिर कर्ण अपना फेमस डायलॉग बताते हैं कि ब्राह्मण के ऊपर कभी हथियार नहीं उठाना चाहिए, और कहता है मैं ऐसे जाता हूँ, हथियार उठाना नहीं चाहिए तो प्रारंभ में नहीं करने का था ना, तुमको जब मालूम पड़ा कि आप पे भारी पड़ रहा है तो फिर आप कहते हो कि हथियार नहीं उठाना चाहिए, पहले आपको न्याय नहीं पता था, पहले आपको नैतिकता नहीं पती थी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कैसे ये भी वो, ये जो मैच है समझो आप 0-0 था, इक्वल था क्योंकि रिजल्ट आया नहीं। पांचवा जो एनकाउंटर है वो है जब 13 साल का जो वनवास है उसका 13वां वर्ष में, जब अज्ञातवास में रहना था राजा विराट के यहाँ, तो राजा विराट के यहाँ पर
जब राजा विराट और इनका थोड़ा दुश्मनी था ही कौरवों का, वो आक्रमण करना सोच रहे थे, पर जब उनको खीचक की न्यूज़ आती है कि खीचक को मार दिया गया है, तो उनको पता चलता है कि जिस प्रकार खीचक को मारा है, खीचक का पूरा शरीर एक भोपले की तरह बना दिया गया था। मतलब आपको सर कहाँ पे, हाथ कहाँ पे, पाँव कहाँ पे दिख के नहीं आएगा, इतना भयंकर मुक्का हुआ करता था भीम का। कोई साधारण तरीके से मारते नहीं थे भीम, बहुत ही शक्तिशाली थे। तो इनको पूरा ये कर दिया। खीचक की जब न्यूज़ आती है तो सभी लोग आक्रमण करते हैं, और उनके यहाँ पे एक उनके कुमार थे 16 वर्षीय, वो बड़ा बड़ा डायलॉग मारा करते थे। विराट एक दिशा से गए, उस दिशा से कौरवों को रोकने का प्रयत्न किया, और एक दिशा से ब्रहणला सारथी बनकर जाते। वो कुमार जो है बड़ा बड़ा डायलॉग मारते और कहते, आज मैं तुझे दिखाता हूँ, ब्रहणला नपुंसक थे, कि तू सिर्फ नाचने में उस्ताद है, अरे शौर्य क्या होता है क्षत्रिय का, आज दिखाता हूँ, चल प्रदर्शन देखने मेरा। अर्जुन कहते, और अर्जुन का जो 13वां साल है उसका अज्ञातवास का एंड एग्जैक्टली आ गया था उसी क्षण। तो अर्जुन अपने पूर्ण पावर में आ गए थे, और उन्होंने अपने अस्त्र को गांडीवा को एक पेड़ के यहाँ पे रखा था, वो वापस लेते हैं। और एक कुमार तब तक भाग गया था, सिर्फ डायलॉग और डंडी मारी और भाग गया। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बड़ा बड़ा बात करते हैं, परंतु जब एक्चुअली कार्य करने का टाइम आता है निकल गए। तो ये लड़ना प्रारंभ करते हैं, और सभी भीम भीष्म, द्रोण, कृपा, दुशासन, कर्ण एंड अवर दुर्योधन, ये सब एक साथ आक्रमण करते हैं, पर सबको रोकते हैं और हराते हैं। सर्वप्रथम तो अर्जुन के जब प्रसंग आएगी हम डिटेल में बताएंगे, तो ये दुर्योधन और देखते हैं कि कर्ण कुछ भी कर रहे, प्रयास कर रहे, हो नहीं रहा है। दुर्योधन कह रहे, अरे कर्ण क्या नाक कटाएगा, मारो इसको, इतना प्रहार कर रहा है, मतलब ये ब्रहण अला वाला कुछ नहीं, यही अर्जुन है, आक्रमण करो। पर कर्ण कहता है कुछ नहीं हो पा रहा है, तो वहां से वो रिट्रीव करते हैं, भाग जाते हैं सब लोग, कौरव कुछ नहीं कर पाते। तो ये 5वां जो मैच होने के बाद यहाँ पर भी अर्जुन जीतते हैं। तो फाइनल एनकाउंटर जो 17वें दिन होता है युद्ध के, उसके पहले ही स्कोर 3-0 है। तो इसमें कोई डाउट ही नहीं कि कौन सुपीरियर था, कौन अच्छा धनुर्धर था। तो इसमें कोई भी प्रकार का पार्शियलिटी नहीं, सिस्टमैटिकली महाभारत को पढ़ने के बाद ये निष्कर्ष निकलता है। तीसरा ये है कि एक बार जब कर्ण दुर्योधन के साथ मैत्री बढ़ते जाती है, और कर्ण को जब इन लोगों को वनवास के लिए भेजा गया था, तो दुर्योधन को इच्छा होती है कि उन्होंने राजसूय यज्ञ किया था, तो इतना सब लोग आए थे, मैं भी वो करना चाहता हूँ। मतलब हमेशा जलस। दुर्योधन का प्रॉब्लम क्या था, बहुत ज्यादा जलन था अंदर, डाइजेस्ट ही नहीं होता था उनको पांडवों का। तो ये हमको चेक करना चाहिए कि हम जब भी कार्य करते हैं तो ये वहीं पर रोक देना चाहिए, नहीं तो द्वेष में परिवर्तित होता है और बहुत भयंकर रिजल्ट आते हैं उसके। तो इनको बहुत ज्यादा था, और ये भी राजसूय करना चाहते। साधु ने कहा, राजसूय जिस राजा ने किया उस व्यक्ति, वो राजा का जब तक मृत्यु नहीं होता दूसरा राजा राजसूय यज्ञ कर ही नहीं सकता, क्योंकि राजसूय का नियम ही है कि सबको हराना। तो कहते हैं कि इससे एक स्टेप नीचे वाला वैष्णव यज्ञ करके है, इसका नाम वैष्णव है, तो ये आप करिए। दुर्योधन कोई वैष्णव नहीं था, तो ये यज्ञ आप करिए, और ये यज्ञ करने से आपको वही रिजल्ट मिलेंगे। तो फिर कौन जाकर दुनिया में सब राजाओं को हराएगा, तो कर्ण बोलता है कि मैं जाऊंगा। और कर्ण को जब वो कहते हैं, तो बाकी से भीष्म कहते हैं कि तुमसे होगा नहीं। उसी दिन कर्ण कहते हैं कि जब युद्ध होगा तो मैं आपके साथ कभी नहीं रहूंगा, जब तक ये रहेंगे। तो भीष्म और कर्ण का थोड़ा पहले से था। तो कर्ण जाते हैं और सब लोग को परास्त करते हैं, परंतु पांडवों से लड़े नहीं, क्योंकि पांडव तो राजा थे नहीं, इसलिए परास्त करके आते हैं। तो और विश्वास बढ़ जाता है और दुर्योधन का कि कर्ण कर सकता है। तो कुछ लोगों का ये कहना है, जो तीसरा हम प्रश्न लेना चाहते हैं, कि क्योंकि जब राजसूय यज्ञ करना था तो चारों भाई गए थे, युधिष्ठिर महाराज नहीं, चारों भाई, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव, और फिर इन्होंने सब राजाओं पर विजय प्राप्त की थी। पर यहाँ वैष्णव यज्ञ में अकेले कर्ण ने विश्व के सभी राजाओं को हराया, हालांकि पांडव वन में थे उनके अलावा, तो वो महान नहीं हुए, बिल्कुल नहीं। क्योंकि उसका कारण बताते हैं हम, उसका कारण इसलिए है कि सर्वप्रथम जो ये थे राजसूय यज्ञ के समय, जब भीम को जाना था तो पूर्व की दिशा में गए थे, और पूर्व की दिशा में जाते वक्त पहला राज्य आता है अंग प्रदेश। तो अंग प्रदेश के राजा कौन थे, हमारे कर्ण जी। कर्ण को धनुर्धर या धनुर, इसमें धनुष बाण से युद्ध में कर्ण को भीम पूर्ण रूप से परास्त करते हैं। और भीम का रियल मैच तो कुश्ती और गदा से खेलना है, और धनुर्धर विद्या में अर्जुन
डबल है भीम के, तो अगर भीम ने अगर कर्ण को हरा दिया तो थोड़ा एनालाइज कीजिए कि अर्जुन को कैसे हरा सकते हैं कर्ण, तो ये प्रथम। दूसरा दूसरा ये कारण है कि अर्जुन धरती के योद्धाओं को छोड़िए, वो खांडव प्रस्थ को जब कन्वर्ट करना था इंद्रप्रस्थ में तो देवताओं को परास्त किया था, उन्होंने देवताओं को हराया था, और देवता मत तो धरती के राजा नहीं, देवताओं के राजाओं जो लोग आए थे उनसे आक्रमण करके उनको हरा दिया था अर्जुन ने। इतना ही नहीं, राक्षस जो थे, जो राक्षस लोग बहुत पीड़ा पहुंचा रहे थे देवताओं को नित्य कवच करके, उन सभी नित्य कवचों को पूर्ण रूप से हरा दिया और इंद्र बहुत प्रसन्न हुए उन पर, अर्जुन पर। तो यहाँ पर नित्य कवच राक्षस लोग को अर्जुन ने अकेले हराया, और एक अकेला राक्षस, राक्षस शरीर का भीम का पुत्र हिडिंबी से घटोत्कच को हराते हराते पसीना छूट गया युद्ध के भूमि में कर्ण को, और फाइनली उनका सबसे शक्तिशाली बाण जो था शक्ति बाण का उपयोग करना पड़ा, अन्यथा घटोत्कच उनको मार देने वाला था 14वें दिन युद्ध के। तो घटोत्कच को पूरा पसीना निकल गया कर्ण को हराने के लिए, और गंधर्वों से जीत नहीं पाया है, साधारण गंधर्व, साधारण देवताओं का श्रेणी है गंधर्वों का, कर्ण उनसे हार गए थे, डर के मारे भाग गए थे, और अर्जुन ने यहाँ पर देवताओं को हराया। तो कंपैरेटिव लेवल पे भी आप चर्चा कीजिए, आप विचार कीजिए तो आपको पता चल जाएगा। कुछ टीकाकार कहते हैं कि विराट राजा के यहाँ पर जब आक्रमण किया था तो कर्ण अपना शक्ति वेपन भूल गया था। अरे भाई, अगर समझो कोई क्रिकेट फाइनल मैच है, वर्ल्ड कप फाइनल मैच है, और वर्ल्ड कप फाइनल मैच में जो क्रिकेटर है वो क्लीन बोल्ड हो जाता है, शून्य पे आउट होता है, और आने के बाद पवेलियन में कहता है अरे मेरा वो फेवरेट बैग में लेके जाना भूल गया था, तो चलता है कैसा? अरे आप युद्ध लड़ने जा रहे हो, सामने आपका अर्जुन है, सामने आपके पांडव है, आप मेरा फेवरेट एरो में भूल गया था ये बोलना कोई कारण है क्या? तो गलती किसकी है? अब चौथा है, चौथा प्रश्न ये है कि ठीक है मान लेते हैं कि अर्जुन नंबर वन थे, पर कर्ण नंबर टू तो निश्चित थे, दुनिया के दूसरे नंबर के थे, नेक्स्ट टू अर्जुना, एटलीस्ट सेकेंड बेस्ट। उत्तर है नहीं, क्योंकि उन्होंने दो योद्धाओं ने उनको पूर्ण रूप से परास्त किया था। पहले है अभिमन्यु, अभिमन्यु 13th डे को पूर्ण रूप से चक्रव्यूह को भेद कर कर्ण को दो बार परास्त करते, और कर्ण का धनुष बाण धरती पर है और खुला छाती खड़े सामने, चाहे तो अभिमन्यु उनको उधर ही सर धड़ से अलग कर सकते थे, पर अभिमन्यु को पता था कि सभा में और अन्य जगहों पर जब कर्ण ने, दुष्ट कर्ण ने इस प्रकार से द्रौपदी का अपमान किया था तो उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी, पूरे जग को पता था कि अर्जुन ने कहा था कि मैं इसका प्राण लूंगा, तो कर्ण को मारते नहीं अभिमन्यु, पर खुद वीरगति को प्राप्त हो जाते पर कर्ण को मारते नहीं है। तो ये पहला, तो ये दूसरा भीम, भीम का मैंने जैसे पहले आपको कहा राजसूय यज्ञ के समय जब कर्ण के अंग प्रदेश पे भीम आते हैं तो भीम कर्ण को परास्त करते पर प्राण छोड़ देते उसका ये, और युद्ध भूमि में जब अर्जुन को जयद्रथ पर आक्रमण करना था तो जयद्रथ की दिशा में जब अर्जुन जा रहे थे तो कर्ण चाहते थे कि उनको रोक पाए, रोकने का प्रयास करते हैं ये 14वें दिन, परंतु रोक नहीं पाते हैं और भीम बीच में आ जाते हैं और भीम उनको साइड दे देते हैं और अर्जुन आगे जाते हैं, और भीम और कर्ण का युद्ध चलता है और कर्ण आगे जाकर अर्जुन को अटैक नहीं कर पाते क्योंकि भीम रोक पाते, इधर रोक देते, इक्वली मैच्ड हो गए। नेक्स्ट 16वें दिन में, जब 16वें 17वें दिन में दुशासन को मारना था तो प्रतिज्ञा लिया था भीम ने कि मैं आज दुशासन के छाती को फाड़ कर रक्त पीऊंगा, और सब सुने थे, और भीम जब बोलता है तो करता है, सबको पता था। तो दुर्योधन कर्ण के पास जाता है, बोलता है हाथ जोड़ता हूँ, बाकी सब ठीक है, मेरे भाई को बचा लो, एक एक करके स्कोर गिरते जा रहा है, मेरे इतने सारे भाइयों को मार दिया है, दुशासन को तो बचाओ, मेरा सबसे प्रिय है। कर्ण कहता है डरो मत भीम, कुछ नहीं कर सकता है, अर्जुन भी आ गया तो कुछ नहीं होगा। तो दुर्योधन सोच रहे थे, बोलता है हमेशा पर आज कुछ होगा या नहीं होगा, तो वहीं पर थे कर्ण के आंखों के सामने दुर्योधन निरंतर लड़ते रहे, और दुर्योधन भी लड़ते रहे, और कर्ण को भीम ने उनके बाण काट दिए गए, और कर्ण खड़े होकर देखते रह गए, और दुशासन को पटक पटक कर मारा और उसके छाती से रक्त लिया, इतना क्रूरता से उसको मारा गया, कुछ नहीं कर पाया। उनका पुत्र वृषसेन लड़ने का प्रयत्न किया, वृषसेन जो कर्ण का पुत्र है उनके सामने मारा गया, भीम मारते हैं कर्ण के भाई को, भीम मारते हैं कर्ण के भाई, मतलब कर्ण के पुत्र, सॉरी वृषसेन के भाई बाणसेन,
तो बाणसेन और विश्वसेन दोनों पुत्रों को कर्ण के नेत्रों के सामने और कौरवों के जितना भी बचा हुआ स्कोर है दुशासन के आसपास वाला उन सबको कर्ण के सामने भीम मारते हैं। कर्ण कुछ नहीं कर पाता है, हाथ मलते रह जाता है। दुर्योधन देखते हैं और कहता है यार कुछ तो करो या केवल डायलॉग बाजी चलेगा। कर्ण कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता आज भाई, चल नहीं रहा है कुछ, कल कुछ करते हैं। ठीक है, तो यहां पर दूसरी बार भी भीम कर्ण पर भारी पड़ते हैं। एक बार युद्ध में हराते हैं कर्ण, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, पूर्ण रूप से हराते हैं। और जब धनुष्बाण नीचे गिर जाता है भीम का, तो अपना धनुष्बाण लेके भीम को ऐसा लगाते हैं, दो बार हरा है भूल गया हो, हाँ उनके सर शरीर पर लगा के कहते हैं मोटे सिर्फ खाते रहते हो, कुछ काम के नहीं हो। तो भीम कहते हैं अगर तेरे को इतना ही विश्वास है एक कुश्ती करना, थोड़ा आ जा मलयुद्ध करते हैं। तो कर्ण अपना पतली गली से अपने गाड़ी को निकल कर, रथ को लेकर निकल कर साइड में हो गए, पर लड़े नहीं। लड़ते तो उनको मालूम है दुशासन का अब भी क्या किया था उन्होंने, प्राण निकाल देंगे, उनको पूरा क्लियर कट पता था, तो इसलिए वो चुपचाप निकल गए। तो फेयरली अगर आप एनालाइज करोगे तो हम आराम से कह सकते हैं कि हर स्कोर के हिसाब से भीम बेटर था। तो अभिमन्यु बेटर थे और भीम उनसे बेटर थे। अब पांचवा प्रश्न सदा हमेशा लोगों को आता है कि ये प्रश्न आता है कि इंद्र जो अर्जुन के पिता है वे थोड़ा कपटी स्वभाव से ब्राह्मण का रूप लेकर आते हैं, छल कपट से महादानवीर महाशूर कर्ण के पास आते हैं, और कर्ण के पास आने के बाद उनको वे दान मांगते हैं और अपने बेटे को बचाने के लिए वो उनसे दान लेते हैं कवच और कुंडल। तो इसको एनालाइज करते हैं, इसको देखते हैं कि ये सही बैठता है कि नहीं। सर्वप्रथम ये सच है कि वहाँ पर ब्राह्मण रूप से जाकर उनको दान मांगते हैं, और दान देने में कर्ण बहुत अव्वल थे और इसमें कोई भी विरोधाभास नहीं है। जब एक बार एक ब्राह्मण राज्य में आते हैं हस्तिनापुर में और उनको लकड़ियाँ चाहिए थी और सब लकड़ियाँ गिल्ला हो गया था, दुर्योधन सबको भेजते लाने के लिए पर विशेष लकड़ी कहीं नहीं मिलती है क्योंकि वो विशेष था, तो कर्ण अपने कक्ष के दरवाजे को तोड़कर उसका टुकड़ा करके ब्राह्मण को देते हैं। तो जहाँ पर उनके अच्छे गुण थे निश्चित रूप से था, ऐसा कोई है ही नहीं कि वो हमेशा ब्लैक कैरेक्टर था, तो यहाँ पर बिल्कुल वो दानवीर थे। तो उनके पास गए, उनको कवच और कुंडल देने को कहा, उन्होंने दिया, तो ये इनका क्रेडिट है। परंतु केवल दान रह नहीं गया, ये विनिमय हो गया, स्वैप हो गया। कैसे? कर्ण फिर उनसे कुछ मांगते हैं इंद्र से, क्योंकि आप देवता हो कुछ दो, तो उनको शक्ति अस्त्र देते हैं, दिया कवच और लिया शक्ति अस्त्र। तब ये दोनों के बीच जो कौन सा ज्यादा स्ट्रेटेजिक था कर्ण के लिए वो जानने का प्रयास करते हैं, फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब कवच के साथ कवच पहनकर भी वो अभिमन्यु से हार रहे थे, कवच पहन के भी विराट के राजा के यहाँ पर राजा के राज्य में अर्जुन से हारे थे, कवच पहनकर भी द्रुपद राजा ने उनको परास्त किया था और डर के मारे भागा था प्राण बचाने के लिए, कवच रहते हुए भी गंधर्वों ने उनको हरा दिया था प्राण बचाने के लिए भागा था भगोड़ा वहां से। तो आप विचार कीजिए, कवच रहकर उसकी कभी रक्षा हो पाई क्या? अगर उनके पास शक्ति अस्त्र नहीं होता तो घटोत्कच कवच के साथ उनको उसी दिन गाड़ देता जमीन में। 14th day में भीम का बेटा घटोत्कच पूर्ण रूप से कर्ण को मारने में सक्षम था, अगर शक्ति अस्त्र नहीं होता तो कर्ण 14th day में ही समाप्त हो जाता, सेनापति बनने का तो प्रश्न ही नहीं था कभी। तो शक्ति अस्त्र ने उनको बचाया। तो आप एनालाइज कीजिए, आप सोचिए कि कवच अगर लेकर भी गए इंद्र तो उसको कुछ फायदा होता उससे या नहीं होता। छठा प्रश्न ये है कि बहुत लोग कहते हैं कि कर्ण बहुत बड़ा महानायक था, धार्मिक था, शक्तिशाली था और उन्होंने दानवीर था, तो इसको चलो थोड़ा एनालाइज करते हैं। इसमें कोई भी डाउट नहीं है, कोई भी शंका नहीं है कि वो धार्मिक थे, दानशूर थे, परंतु वो काले कहीं भी नहीं थे। पर इसको वो इतने भी सफ़ेद और उसको ज़्यादा सफ़ेद पेंट मारने की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि इनकी दुष्टता के कारण ही, इनकी दुष्टता के कारण ही जब वारणाव्रत में दुर्योधन अपना वैभव दिखाने का प्रयत्न करता है, इनके दुष्टता के कारण ही वो असत सभा में ये सब हुआ। कर्ण के दुष्टता का कारण ही द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का प्रयत्न किया गया दुशासन द्वारा। ये आइडिया भी उनका था, एग्जीक्यूशन प्लानिंग सब कुछ कर्ण का था, और अपशब्द भी कर्ण ने ही कहे। और जब विकर्ण खड़ा होकर कहता है एक कौरव में, पूरा कौरव मतलब मुक्त बधिर लोगों का समाज था,
कोई बोल नहीं पा रहा था बिचारी द्रौपदी के प्रति जो अन्याय हो रहा था, एक विकर्ण खड़ा होकर कहा कि छल कपट से द्रुत कड़ा हुई है, ये क्रीड़ा ही खराब हुआ है, गेम ही गलत तरीके से खेला गया है और फिर ये बेचारे लोगों को निकाला गया है, तो ये एक ही व्यक्ति है, तो इसलिए हमको प्रयास करना है कि इसको पूरा नल्लीफाई कर दिया जाए और इनका जो भी लिया हुआ है और माता द्रौपदी को पूर्ण प्रकार से सम्मान दिया जाए। तो कर्ण इनको फटकार कर बैठाते हैं नीचे और कहते हैं मूर्ख तुम मत बोलो, तुम जब बड़े बोल रहे हो तुम्हें बीच में आने की आवश्यकता नहीं, और उसको बैठा दिया जाता है। और बाद में द्रौपदी को जब पूरा वस्त्र भगवान की कृपा से मिलता है और ये जादू देखकर धृतराष्ट्र को भी लगता है चमत्कार देखकर कि क्षमा, वो कहते हैं कि सब कुछ इनको लौटा देना चाहिए, तभी भी कर्ण मानते नहीं है। तो ये कर्ण की नैतिकता थी। तो धार्मिक किस तरह का ना धार्मिक, उनमें अच्छे गुण थे पर अच्छा गुण होना ठीक है परंतु उसको ज्यादा रोमानीकरण करने की आवश्यकता नहीं, रोमांटिसाइज करने की आवश्यकता नहीं है। जो गुण उनमें थे उतना आप क्रेडिट दो, एक्स्ट्रा बोलने की आवश्यकता नहीं है। दानशूर थे, सब थे, पर उसी समय ये पाप कृत्य भी सब उन्होंने किया ही था। और भीष्म का देह छोड़ते वक्त भीष्म को क्षमा मांगते हैं और कृष्ण से जब अभी भेंट होगा, कृष्ण का प्रसंग आएगा, तब भी कर्ण कहते हैं कि मैंने वो गलती की, मतलब गलती किया था उन्होंने। तो सातवां प्रश्न ये है कि कृष्ण अर्जुन इनको कर्ण को जस्ट युद्ध से पहले बुलाते हैं और दल बदल करके प्रलोभन देने का प्रयत्न करते हैं कि आप पांडव लोगों के साथ में आ जाओ, आप राजा बन जाओगे, आप राजा बन गए और फिर पांडव आप लोग की सेवा करेंगे, पूरे जगत के हो जाएंगे, आप कुंती पुत्र हो। ये प्रलोभन नहीं है, ये स्ट्रैटेजी नहीं है, ये कृष्ण कपटी खेल नहीं खेल रहे जस्ट युद्ध से पहले। इसको देखते कैसे, कृष्ण टेम्पटेशन नहीं कर रहे थे, कृष्ण उनको प्रलोभन नहीं दे रहे थे, कृष्ण वास्तविकता बता रहे थे और मन में कोई कपट नहीं था। वो चाहते थे कि ये दुष्ट जो दुर्योधन है युद्ध लड़ने का हिम्मत कर कैसे पा रहा है अर्जुन के होते हुए, भीम के होते हुए, क्योंकि कर्ण का सपोर्ट है। कर्ण ने अगर कहा होता कि मुझे युद्ध नहीं लड़ना है तो युद्ध होगा नहीं। तो बहुत लोग जो आरोप लगाते हैं कि कृष्ण युद्ध चाहते थे, कृष्ण युद्ध चाहते नहीं थे, शांति दूत बनकर गए थे, जबकि पता है कि ये सुनेंगे नहीं, फिर भी प्रयास किया। और ये शांति दूत बनने पर उन्होंने केवल 5 गांव मांगा उनको, केवल 5 गांव। क्षत्रिय है, रूल एडमिनिस्ट्रेशन करना उनका स्वभाव है। तो कभी कभी जो व्यक्ति आते हैं उनका मैसेज हमको अच्छा नहीं लगता पर व्यक्ति का अपमान नहीं करता है कोई। दुर्योधन ने तो मैसेज का भी अपमान किया जो वो दे रहे थे, पर व्यक्ति का अपमान किया और कहा 5 गांव छोड़ो, सुई के नोक के इतना भी मैं आपको नहीं दूंगा। ये सुनने के बाद कृष्ण को बांधने का प्रयास करते हैं, वो कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को बंदी बनाने का प्रयत्न करते हैं। दुर्योधन इतना मूर्ख है। तो ये सब कर्ण भी देख रहे थे, कर्ण को भी दर्शन हुआ था कि दिव्यत्व क्या है कृष्ण का, पर केवल संग खराब हो जाए तो दिखने के बाद भी दिखता नहीं है। तो कुछ समझ में नहीं आया कर्ण को और दुर्योधन का साथ देते रहे देते रहे। और इतना ही नहीं, जब कृष्ण उनको कहते हैं कि देखिए आप अधर्म इतने सब कार्य किए, एक मौका है आपके पास सुधार करने का और आप उनके प्रति कृतज्ञ है, बहुत अच्छा गुण है कि दुर्योधन के प्रति आप कृतज्ञता है, पर कृतज्ञता कब तक। उदाहरणार्थ पाकिस्तान में एक गरीब लड़का, बहुत गरीब, मतलब उसके माता पिता नहीं, अनाथ है, उसके पास अगर कोई ISIS या लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, ये सब आतंकवादी संगठन के कोई दो क्या कहते हैं आतंकवादी जाएंगे और कहेंगे बेटा तू भूखा है, खाना खिलाओ, सब खिलाएंगे उसको, अच्छा करेंगे, तो उसके बाद उनके प्रति कृतज्ञ होना कोई बुरी बात नहीं है। पर एक समय के बाद जब आप बच्चे थे, आपको पता नहीं कि आतंकवादी थे और उनके विचार और कार्य में आपको इन्वॉल्व करने वाले हैं, लोगों को विनाश करने के लिए, लोगों की हत्या करने के लिए, तो जब समझ आ गई आपकी तब तो चेंज होना चाहिए। जब वो सभा में सब लोग अपमान कर रहे थे उस एग्जीबिशन के ग्राउंड पर और दुर्योधन ने साथ दिया, ठीक है, पर दुर्योधन जब वारणव्रत में आग लगाओ कहते हैं तो कर्ण अपोज करता है, तब तो साइड में हो जाना चाहिए था। अगर तुम इतने नैतिक हो, तुम इतने धार्मिक हो, तुम सब इतने वर्चुअस हो, तो जब आपको दिख रहा है कि इतने दुष्ट व्यक्ति के साथ मैंने मित्रता की है, कम से कम पता पलने के बाद कि ये पांडव के प्रति इतना द्वेष रखता है, अगर आप धार्मिक थे तो साइड में आ जाना चाहिए था। पर आपकी आसक्ति उससे नहीं था, आपका आसक्ति स्टेटस को से था, आपको ये आसक्ति थी कि मैं राजा बन गया और इसने बना इसके प्रति मेहरबानी और इसके साथ में हमेशा रहना है। तो कर्ण मोहम्मद बिन अट्टा की तरह हो गया था जिन्होंने ओसामा बिन लादिन के मेहरबानी को चुकाने के लिए अमेरिका के जो ट्विन टावर से पेंटागन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को उड़ा दिया जहाज, हवाई जहाज लेके जाकर, सितंबर 11, 2001 में।
वो भी ऐसे ही व्यक्ति था ओसामा बिन लादेन का किया हुआ है मेहरबानी अफगानिस्तान के पहाड़ों में, और वो जाकर इतना बड़ा आतंकवादी बना। तो कर्ण को पूर्ण इंडिपेंडेंस है चूज करने में, परंतु यहाँ पर कृष्ण जब कह रहे हैं उनको और निष्कपट भाव से कह रहे हैं, कृष्ण को जरूरत ही नहीं है भीख मांगने का जाकर कर्ण को, बताने की आवश्यकता ही नहीं है। कर्ण कौन होता है कि कृष्ण जाकर उनको हाथ जोड़े और ये कर सब करे। कृष्ण पांडव के बारे में नहीं सोच रहे थे, कर्ण के बारे में ही सोच रहे थे कि कर्ण कुंती का पुत्र है, उसको फायदा हो सकता है और वो राजा बन सकता है। पांडव इतने महान है कि सब भूल जाएंगे, अर्जुन भूल सकता है राइवलरी कर्ण के साथ, पर कर्ण को इतना द्वेष था अर्जुन के प्रति वो नहीं भूल सकता है। और उसको नंबर वन बनने का जो कीड़ा था अंदर, वो उसी के कारण, वो मेन कारण था कि कृष्ण के बताए हुए शब्द को भी वो ठीक से नहीं समझ पाया। और तथाकथित फॉल्स ऑनर, फॉल्स धर्म, फॉल्स नैतिकता, नैतिकता गलत धारणाएं, गलत निष्ठा। अरे पापी व्यक्ति के प्रति निष्ठा क्यों होना चाहिए? आतंकवादी संगठन के सरगना के प्रति आपको निष्ठा है, उस निष्ठा का कोई वैल्यू है क्या? तो वैसे ही दुर्योधन कोई आतंकवादी से कम व्यक्ति नहीं था। वो जब तक पांडव थे इसलिए अच्छे से रह रहा था हस्तिनापुर में, क्योंकि लोगों को फिर विद्रोह होगा और लोग चाहेंगे कि युधिष्ठिर महाराज राजा बन जाए। परंतु युद्ध करने के बाद, युद्ध समाप्त होने के बाद दुर्योधन अपना असली रूप दिखाने वाला था पूरे हस्तिनापुर वासियों को और देशवासियों को और पृथ्वी के सभी वासियों को। तो ये मत समझिए कि दुर्योधन बहुत अच्छा था, उसने किसी को मारा नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं है, वो केवल वेट कर रहा था। बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजिक व्यक्ति था वो। तो कर्ण अगर हाथ हटा लेता तो युद्ध टल जाता, युद्ध टल जाता तो, या युद्ध टल जाता या कम से कम कम नुकसान होता, क्योंकि दुर्योधन जल्दी हार जाता। तो इसी के कारण सैनिक कम मरते, ब्लडशेड कम होता, रक्तपात कम होता। कृष्ण सोच रहे कि युद्ध होना ही है तो कम से कम ये तो हो, उस हिसाब से प्रयास कर रहे थे। तो कोई कह नहीं सकता कि कृष्ण युद्ध चाहते थे। तो अभी ये जो भी आर्ग्यूमेंट्स है कि कृष्ण वॉर मॉन्गरिंग कर रहे थे, युद्ध चाहते थे, ये ठंडा हो जाना चाहिए कि कृष्ण ने ही पूरा प्रयास किया है। द्रौपदी नहीं चाहती थी कि जाए शांतिदूत बनकर कृष्ण, कृष्ण उनको बहुत सारे दिन एक्सप्लेनेशन देने के बाद द्रौपदी कहते, देखिए द्रौपदी जिसका जितना अपमान हुआ, प्रतिशोध चाहती थी, वो तैयार होगी शांति के लिए, कृष्ण झुकने के लिए तैयार हो गए। परंतु ये दुष्ट जो राजकुमार था दुर्योधन, वो नहीं झुका। और ये तथाकथित मेरा मान सम्मान, मेरा नैतिकता, मेरी दोस्ती, मेरी यारी के चक्कर में हमारा जो कर्ण है वो वहां फंस गया। तो कर्ण वर्ड ऑफ ऑनर को महत्व दिया, जो अंत में हम और सिस्टम से बताएंगे, अपने शब्द जो दिए उसको महत्व दिया, और कृष्ण उनको लाइफ ऑफ ऑनर देने वाले थे, ऐसा जीवन जो धार्मिक हो, उन्होंने उसको रिजेक्ट किया। आध्यात्मिक स्तर में देखेंगे तो भगवान के दिए हुए वचनों को, भगवान के दिए हुए मार्ग को छोड़कर व्यक्ति स्वयं का तथाकथित अंडरस्टैंडिंग को महत्व समझता है, अपने बुद्धि से भगवान की भक्ति करने से दूर रहता है, तो उसका नष्ट, उसको नष्ट तो होना ही था, उसका विनाश तो होना ही था। अगर समझो कृष्ण को भगवान भी नहीं समझना है फिर भी चलेगा, और कृष्ण के शब्दों को एब्सोल्यूट भी मत समझो। अरे कम से कम अपने पिता सूर्य का तो बात सुनते हो, अगर वो धार्मिक थे तो पिताजी का बात सुनना, अगर मित्र के लिए सब कुछ करना अगर धर्म है तो पिताजी के दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना धर्म नहीं है क्या? तो सूर्य उनको कहते हैं कि देखो सच्चाई का साथ दो, धर्म का साथ दो, ये दुष्ट है दुर्योधन, मेरे बात को समझने का प्रयत्न करो, आप पिता के बात को भी नकार देते हो। तो आठवां प्रश्न ये है कि अंतिम युद्ध के समय एक्चुअली देखा जाए, और इसलिए कर्ण को इस प्रसंग से ज्यादा क्या कहते हो उनको ये करने की आवश्यकता नहीं है कि वो बहुत महान थे, उनमें अच्छे ग्रेड्स भी थे और कुछ कमियां थी, और आसक्ति ज्यादा था अपना नेम फेम, मैंने शब्द दिया है, मैंने वचन दिया है, उस पर ज्यादा ही था। प्रॉब्लम उनका ये है कि मिसडायरेक्टेड उनका निष्ठा था, दिशाहीन निष्ठा था। दिशा बराबर होती निष्ठा का तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दिशाहीन निष्ठा, राक्षस के प्रति निष्ठा रखकर क्या मिलने वाला आपको? तो वैसे उन फंस गए थे। तो जैसे हमने कहा कि अंतिम युद्ध के प्रति आठवां प्रश्न है कि श्राप दिया गया था उनको हमारे परशुराम जी द्वारा, और वो जो ऋषि मुनि है गाय की हत्या के बाद, उसके कारण वो युद्ध में थोड़े से उनका हीन हो गया, थोड़ा डिसएडवांटेजेस पोजिशन था। श्राप सिर्फ उनको नहीं मिला है, इतिहास है श्राप का, दशरथ महाराज को श्राप मिला था और डिसप्रोपोर्शनेट था, कोई भी जो कार्य किया उसके प्रोपोर्शन में श्राप नहीं मिला, पर उन्होंने काउंटर नहीं किया। दशरथ महाराज गलती से मार देते हैं उस कुमार को,
परंतु उनके माता पिता श्राप देते और उनको मृत्यु होता है, पर उन्होंने कभी भी प्रोटेस्ट नहीं किया और अंत के समय भी दशरथ यही बोलते रहे मेरा ही पाप कृत्य था। उन्होंने ये नहीं कह रहे क्या उस बूढ़ा व्यक्ति ने ये कह दिया। परीक्षित महाराज को सर्प डाला था सिर्फ शमिक ऋषि के गले में, पर श्राप मिला 7 दिन में तक्षक आके आपको मार देगा, प्रोटेस्ट नहीं किया, भागवतम का आश्रय लिया। और उन्होंने भागवतम का आश्रय लिया इसलिए उतने हम सबको अभी भागवतम सुनने का मौका मिल रहा है सुखदेव गोस्वामी का आश्रय लेने के कारण। फिर और किसने, स्वयं हमारे जो इंद्र है उनको श्राप मिलता है, इंद्र के पुत्र अर्जुन। अर्जुन जब देवलोक जाते हैं वहां पर अस्त्र शस्त्र को सीखने के लिए, इंद्रलोक पर जब आते हैं नृत्य चल रहा था और उर्वशी को सब देखते हैं, उर्वशी के लिए पूरा स्वर्ग लोक दीवाना था, वो देख रही थी अर्जुन को और अर्जुन के प्रति पूरा कामुक हो गई और अर्जुन के पास जाती और कहती कि मुझे आपके साथ संग करना है। अर्जुन कहता है माता मुझे क्षमा करना, आप मेरे पूर्वज पुरुरवा की पत्नी रही है। तो हंसती है और कहती है कि हम अप्सराओं का कोई ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं और ना ही हमको कोई पाप लगता है। फिर भी वो कहते हैं कि आप अप्सरा हो आपको नियम नहीं है, पर मैं माना हूँ थोड़े देर के लिए स्वर्ग में आया, मैं स्वर्ग का वासी थोड़ी ना हूँ, तो मेरे लिए धरती का ही नियम लागू होगा ना, मेरे लिए धरती का ही नैतिकता मॉरल कोड्स लागू होगा। तो जैसे ये कहती है तो उनको बहुत गुस्सा आता है और कहते हैं कि तुम्हारा जो कार्य है वो तुम्हारे वंशज को नहीं वैल्यू करता, नपुंसक की तरह तुम व्यवहार कर रहे हो, तो तुम नपुंसक की तरह व्यवहार करे तो नपुंसक बन जाओ। तो अर्जुना प्रोटेस्ट नहीं करते, अर्जुना चाहते तो काउंटर कर्स कर सकते थे, अर्जुना चाहते तो एक लाफा लगाकर उर्वशी उधरी प्राण खत्म, परंतु उन्होंने वो नहीं किया और इसलिए प्रोटेस्ट भी नहीं किया। अर्जुन जब इंद्र के पास जाते तो इंद्र कहते हैं कि देखो एक वर्ष का जो भी नपुंसक का जो तुमको श्राप मिला और तुमने कुछ नहीं कहा, ये तुम्हारी महानता को दर्शाता है और तुम्हारा जो इंद्रियों पर नियंत्रण है, अप्सरा आके तुमको कह रही संग करो तो अर्जुन का कोई पाप बनता ही नहीं था, वो खुद आई थी, परंतु अर्जुन ने इंद्रियों पर इतना संयम बताया, इतना संयम दिखाया। इंद्र ने कहा मेरे पुत्र ये तो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं कर पाए, विश्वामित्र नहीं कर पाए पहली बार में, आप वो करके दिखाए तो आपको आप बहुत महान हो, और ऐसे करके उनको और आशीर्वाद देते हैं और वो जो एडवर्सिटी है उसको प्रॉस्पेरिटी में कन्वर्ट किया। उन्होंने 13वें वर्ष में जब अज्ञातवास में रहना है, अर्जुन इतने पॉपुलर थे कि कहीं पर भी वो अज्ञातवास में कुछ मुंह बनाकर मेकअप करके रह नहीं सकते, अनलेस एंड अंटिल पूरा शरीर ही चेंज ना हो जाए, बायोलॉजिकली चेंज ना हो जाए, उनको पहचान ही लेंगे लोग। तो ये काम आया उनको विराट राजा के यहाँ पर, और वो अज्ञातवास में ब्रह्मनला के रूप में रहे और ब्रह्मनला के यहाँ पर रहते हुए कोसते नहीं रहे उर्वशी को। भाग्य का कोसना नहीं है, कभी कभी अन्याय, कभी कभी मिसफॉर्चून हमारे जीवन में होता रहता है और ये सब महान महान लोगों ने अपने आप को कोसते नहीं बेटा, जैसा कर्ण खुद को कोसते रहता था कि मेरे साथ ये हुआ इसलिए ऐसा हुआ, मेरे साथ वो हुआ, तो ये क्रिबिंग करना रोना ये सब छोड़ने की आवश्यकता है। और अब वो अर्जुन ब्रह्मनला बनकर सिखाते हैं, विराट राजा को प्रसन्न करते हैं और बाद में इनके साथ ही अलायंस करके युद्ध में विराट बहुत बड़े स्ट्रैटेजिक पार्टनर बनते हैं उनका युद्ध में कौरवों के विरुद्ध। तो इसको कहते हैं सहन शक्ति। और इतना ही नहीं, विराट राजा अपनी पुत्री अर्जुन के पुत्र को देते हैं अभिमन्यु के साथ, और अभिमन्यु और उत्तरा के संग से उनको जन्म लेता है परीक्षित महाराज महाभागवत। तो एक जगह पर टॉलरेट किया हमारे अर्जुन ने, तो यहाँ पर महाभागवत जन्म लिया, तो उसे सहन करना पड़ता है। और समझो उनको जब पता ही था श्राप मिल गया परशुराम जी का, तो उन्होंने कुछ मंत्र को ही आप भूल जाओगे कहा था, दुनिया के सभी अस्त्रों के मंत्र भूल जाओगे कहा था क्या? तो अगर आपको एक पता है पहले से ही कि अस्त्र मंत्र मैं भूल सकता हूँ युद्ध भूमि परशुराम के कारण, तो दूसरा कोई तपस्या करके जैसे अर्जुन को सब बाण वगैरह सब जो मिला था वो क्या खैरत में या फ्री लंच में नहीं मिला था? ये लो भाई बाण लो आप। उन्होंने तपस्या किया था हिमालय में, कठोर तपस्या की थी, मेहनत किया था तब प्राप्त हुआ था। तो इनको भी जाकर तपस्या करना था, मेहनत करना था, कोई और मंत्र लेना था, तो एक ही अस्त्र पर क्यों डिपेंडेंट रहे आप? आपको पता ही आप भूल जाओगे, मतलब आपको क्या था, आपको ब्राह्मण के शब्द पर विश्वास नहीं था, परशुराम ने श्राप दे दिया पर होगा कि नहीं मालूम नहीं मुझे, वारे वाह। तो ऐसा उनका साइकोलॉजी था कर्ण का, परंतु वही उनको युद्ध के भूमि में देखो कैसे उल्टा पड़ गया। धरती का जब उनको गाय से जब उनको श्राप मिला था कि आपका रथ का पहिया धरती में चला जाएगा और आपका मृत्यु का कारण बनेगा, तो उन्होंने एक रथ का पहिया धरती में जाएगा कहा था, सब रथ का पहिया धरती में जाएगा कहा नहीं था। तो अगर आप स्ट्रैटेजिक वॉरफेयर में हो और अर्जुन जैसे योद्धा से आपको लड़ना है तो थोड़ा बुद्धि लगा के काम करो ना। एक एक्स्ट्रा रथ नहीं रख सकते थे आप साइड में कि अगर ये कुछ हो गया तो दूसरे से लड़ूंगा, या चलो रथ में ही नहीं लड़ना है, हम ये सोच लेते हैं कि चलो रथ उन्होंने कहा था अनोक बहुवचन कहा था, उन्होंने रथ कहा था श्राप देते वक्त, रथों को नहीं कहा था, एक ही रथ जाने वाला था, चलो वो भी मान लेते हैं कि बहुवचन कहा उन्होंने, एक वचन नहीं। तो हाथी पर बैठकर भी तो लड़ सकते थे आप,
अर्जुन से, एक तो लड़ा भी नहीं, एक तो रथ को देखते रह गया और दुहाई देते रह गया मॉरालिटी का, जिसका कृष्णा ने पूरा काउंटर किया। तो हम केवल कृप नहीं कर सकते जिंदगी भर कि मेरे साथ नीति ने ऐसा कैसे किया, मेरे साथ ऐसा कैसे हुआ। आप एनालाइज कीजिए खुद से, तो आपको उत्तर मिल जाएगा कि हमारे साथ जब बुरा होता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बुरा हुआ कि नहीं, उसके साथ हमने क्या रिस्पॉन्स दिया। वाई डू बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वॉट डू गुड पीपल डू वेन बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल, अच्छे लोग क्या करते हैं जब उनके जीवन में बुरा होता है, रिस्पॉन्स क्या है। अर्जुन का क्या रिस्पॉन्स था? हेल्दी लिया। परीक्षित महाराज का क्या रिस्पॉन्स था श्राप मिला तो? हेल्दी लिया। दशरथ महाराज का क्या था? हेल्दी लिया। पांडवों के जो पुत्र थे, पांडवों के जो पिता थे पांडु राजा, उनको श्राप मिला। क्या कारण था? छोटा सा कारण था, पर श्राप क्या मिला? जब भी तुम नहीं, गलती से उन्होंने मारा था वो ऋषि मुनि को संग करते वक्त, उनको श्राप मिला तुम कभी संग करते कर सकते नहीं पत्नी का। तो प्रोटेस्ट किया पांडु राजा ने, कैसे कैसे बोल सकते हो तुम महाराजा, मैं फिर मैं नहीं लेता, मैं तुमको काउंटर श्राप देता हूँ। या यज्ञ किया उसके लिए बचने के लिए, नहीं जो है सो लिया। तो कर्ण को भी लेने की आवश्यकता थी। नौवा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है, यहाँ पर ध्यान देने का प्रयत्न कीजिए। और ये बहुत लोग इसको ट्विस्ट देते हैं, और वो ट्विस्ट का स्टोरी इस प्रकार है कि द्रौपदी ने स्वयंवर के सभा में कर्ण को अपशब्द कहा और कहा कि सूत पुत्र हो। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट महाभारत तात्पर्य निर्णय है जो मध्वाचार्य ने लिखा है, मध्वाचार्य से बड़ा स्कॉलर कोई नहीं है। ये आजकल के कादंबरी मध्वाचार्य को मैच नहीं कर सकते, कादंबरी लिखने वाले साहित्यकार। तो मध्वाचार्य आचार्य परंपरा में आते हैं, वो लिखते हैं कि कर्ण को अलाउ किया गया था। और सिर्फ माध्वाचार्य नहीं कहते हैं, भंडारकर ओरिएंटल इंस्टीट्यूट जो महाभारत और साहित्यों पर सबसे पावरफुल इंस्टीट्यूट है पुणे में, उसको रिसर्च कर सकते हैं आप, उन्होंने भी ये कथा को सपोर्ट किया है। फैक्ट है, हिस्टोरिकली डॉक्यूमेंटेड है कि कर्ण को दिया गया था मौका हेयर थिन, जो हेयरलाइन फ्रैक्चर होता है ना, उससे भी कम डिस्टेंस, बाल के नोक से भी कम डिस्टेंस से निशाना मिस हो गया, पर मिस हुआ, लगा नहीं उस मछली के आंख पर। तो ऐसा नहीं कि उसको मौका नहीं दिया, दिया था पर वो हार गए। चलो बाद में आया हुआ महाभारत के जितने भी रीटेलिंग्स है, तथा कथित लोगों ने जो भी महाभारत के बारे में लिखा है, तो हम सोचते हैं कि उन्होंने उनको मौका नहीं दिया, परंतु अपशब्द तो कभी नहीं कहा उन्होंने द्रौपदी ने। वो तो सभ्य स्त्री थी, वो अपशब्द कहेगी भी क्यों कहेगी, उन्होंने कभी नहीं कहा था। तो ये बहुत बड़ा स्पिन है, ये कभी हुआ नहीं है, ये घुमाया गया स्टोरी है। परंतु अब ये दृष्टिकोण से भी देख ले कि उन्होंने उनको रोक दिया कर्ण को, चलो रोक दिया, वो वह है क्या ये? उस पूरे सभा का योजना क्या है? वो स्वयंवर है। स्वयंवर का मतलब ही है कि लड़की खुद चुनेगी, वर वधु खुद चुनेगी कि वर कौन होगा। मछली के आंख पर मार दिया आपने निशाना, तो ऐसा नहीं कि बैंड बाजा बारात लेकर आप नाचने लग जाओगे और वरमाला लेके जाके डाल दोगे द्रौपदी गले में, देख मैंने मार दिया, मुझे शादी करो, बाकी बैंड बाजा लेकर आओ, शादी प्रारंभ हो जाओ और पार्टी करो, नाचो गाओ, ऐसा थोड़ी ना था। वो केवल सहायक सहायक था। सहायक मतलब द्रौपदी को जज करने में कि मेरा पति कौन होना चाहिए, इसमें मदद करेगा, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट टास्क था जो दिया गया था। पर वो ये मारते ही उनके पति बन जाएंगे ऐसा कहीं नहीं है, तो स्वयंवर है। और कर्ण को पता है कि मेरा क्षत्रिय लोग मानते नहीं मुझे, जन्म से सबको पता है कि मैं सूत के फैमिली में बड़ा हुआ हूं। उधर बाहर बोर्ड लगाया बड़ा सा, क्षत्रिय वधु एक अनेक वर मिलावा करके बोर्ड लगाया था, तो अंदर जाने का क्यों? कर्ण ने क्या सोचा, मैं इतना शूरवीर हूं, मैं मेरे को लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है। प्रिज्यूम करते हैं, खुद के दिमाग से विचार करते हैं कि उनको अलाउ करेंगे। तो आप ये कह सकते हो कि फिर वो पांडव लोग कैसे आए? उन्होंने परमिशन लिया, ऑफिशियल परमिशन लिया धृष्टद्युम्न और उनके राजा द्रुपद से, और फिर वो लड़ने के बाण मारने के लिए गए। अगर आपको वो सेकेंड स्टोरी समझना भी है तो मध्वाचार्य और ये रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार तो कर्ण मिस हो गए थे। दसवां है कि, और बहुत लोग ये सोचते भी हैं, और ये बहुत बड़ा स्टोरी है, बहुत लोग कहते हैं कि द्रौपदी के प्रति ना, द्रौपदी को ना कर्ण के प्रति एक ना हिडन प्रेम था, बहुत प्यार करती थी एक्चुअली वो, अपने प्यार को दबा के रखा उन्होंने। और खास करके जब पांडव उनको बचा नहीं पाए उस सभा में, तो द्रौपदी का प्यार बढ़ गया और द्रौपदी ने डायलॉग मन में विचार करने लगी, कर्ण से शादी करना चाहिए था, ये पांचों पांडव मिलके भी मेरी रक्षा नहीं कर पाए। ये सबसे बड़ा फेक न्यूज है। आज तक ब्रह्मांड में कोई भी न्यूज चैनल ने इतना बड़ा फेक न्यूज किया नहीं होगा सबका समेशन करके, जितना ये बड़ा फेक न्यूज है। हम अभी सिस्टमेटिकली समझने का प्रयत्न करते हैं।
अर्जुन और कृष्ण इतने पॉपुलर थे भारतवर्ष में, इतने सुंदर है और इतने महान व्यक्ति है, हर व्यक्ति या तो कृष्ण से, हर स्त्री या तो कृष्ण से शादी करने का इच्छा रखती थी या अर्जुन से। तो अर्जुन अपना इतने प्रिय थे, द्रौपदी को अर्जुन के प्रति विवाह करना ही था, और पिता ने यज्ञ में ही कहा था कि मुझे ऐसी पुत्री चाहिए जो अर्जुन से विवाह करे, तो द्रौपदी जन्म ही ली थी उस कार्य करने के लिए। सेकंड, थर्ड ये है कि जब जीत रहे थे तभी ये, जब जीता इन्होंने द्रौपदी को अर्जुन ने, तो ये एकदम गरीब ब्राह्मण थे, उनके पास कुछ नहीं था, तो जब गरीबी में वो कर्ण के प्रति आकर्षित नहीं हुई, गरीबी में कहीं उदाहरण नहीं है महाभारत में, वो केवल अर्जुन के प्रति इतना निष्ठावान थी, और जब उनके जीवन में ऐसा प्रसंग आता है जो हम द्रौपदी के सामने चर्चा करेंगे कि आपको पाचू का पत्नी बनना पड़ेगा, तब भी उन्होंने उनके उनकी निष्ठा चेंज नहीं की, उन्होंने कहा नहीं अरे ये क्या नियम है, एक का मुझे अर्जुन से प्रेम है और आप पाचू के साथ करें, मैं जा रही हूँ कर्णा के साथ, ऐसा कहीं प्रसंग है क्या किधर महाभारत में, कभी ऐसा हो सकता है क्या, कोई मानसिकता है क्या। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि कर्ण ने इतना पीड़ा दिया उस सभा में, किसी स्त्री को किसी ऐसे व्यक्ति से प्रेम हो सकता है क्या कभी, जो समझो उनको अपशब्द कह रहे हैं, उनको निर्वस्त्र करने का प्रयत्न कर रहे हैं, उनके प्रति गलत शब्द कह रहे हैं, और द्रौपदी का प्रेम उनके पतियों के प्रति इतना महान था, इतना सब होने के बाद भी जब पूरा सभा में इतना असत सभा में इतना दुष्ट कार्य हुआ, द्रौपदी को दुर्योधन कहते हैं कि अगर आप ये बोल दो कि आपको दाव पर लगाया युधिष्ठिर ने, वो गलत था, अधार्मिक था, तो मैं सबको मुक्त कर दूंगा और तुमको भी मुक्त कर दूंगा। तो द्रौपदी को चांस था ना बोलने के लिए, और उन्होंने गलती की थी युधिष्ठिर महाराज ने, पर द्रौपदी क्या कहती है, उन्होंने गलती नहीं की, मेरे पति गलती कर ही नहीं सकते, वो धर्म परायण है, बड़े लोगों ने ये छल कपट होने दिया और उन्होंने उनको परमिशन दिया और ये तब जाकर हुआ है। अगर किसी को पूछना है तो ये तुम्हारे पिता को पूछो, धृतराष्ट्र को, भीष्म को पूछो, कृपा को पूछो, द्रोण को पूछो, जो सर झुकाए नीचे अभी बैठे हैं। तो इस प्रकार से वो बता रहे थे, विचार कीजिए। तो आप ये दृष्टिकोण देखने का प्रयत्न कीजिए कि द्रौपदी इस परिस्थिति में, जब युधिष्ठिर के कारण ये हुआ है और युधिष्ठिर को फटकार सकती थी, पर बाद में उन्होंने फटकार सबके सामने नहीं, उन्होंने उनका साथ दिया। कीचक जब उनके प्रति आकर्षित होता है, विराट राजा के साले जी कीचक उनसे आकर्षित होते हैं, दुष्ट कीचक, वो भरी सभा में जब उनको मारते हैं द्रौपदी को, तब भीम मारने का प्रयत्न करते हैं, युधिष्ठिर रोक देते ताकि सबको पता चल जाएगा अगर भीम ने उनको मारा तो। तो रात युधिष्ठिर महाराज रोकते तो इनको बुरा लगता है, तो द्रौपदी उनको रात को बताती है कि किस प्रकार से कि मुझे बहुत बुरा लगा है, तो भीम जाकर मार देते कीचक को। तो उस वक्त भी द्रौपदी के कर्ण को स्मरण नहीं की, और जब पूरे सभा में पांचों पांडव बचा नहीं पा रहे थे दुशासन के आशय, तो कर्ण के पास नहीं गई। तो ये बहुत बड़ा टॉपसी स्पिन कार्य है, ये एकदम मन घड़त चीजें की गई है कि द्रौपदी प्रेम करती थी कर्ण से। अगर समझो स्पिनस्टर लोग लिख रहे कुछ स्टोरीज में कि द्रौपदी प्रेम करती थी कर्ण से, तो राजा द्रुपद की पुत्री नहीं थी, अर्जुन की पत्नी नहीं थी, उनके मन का बनाया हुआ रचनात्मक कोई द्रौपदी थी जिसको प्रति कर, जिसको कर्ण से प्रेम था। तो यह समझने की आवश्यकता है। और फाइनली कर्ण का मृत्यु हो जाता है। किसी भी व्यक्ति को जानना है कि उसकी मानसिकता थी क्या थी, वो क्या द्वेष से लड़ रहे थे, क्या रक्त रंजिश से लड़ रहे थे, क्या द्रौपदी के मन में कोई रिवेंज का भावना था, बिल्कुल नहीं था, इसलिए तो शांति दूत बन के भेजने के लिए तैयार हुई कृष्ण को, भूल गई थी वो सब कुछ कि कर्ण को मारो वगैरह, कुछ नहीं था उनके मन में, सब समाप्त हो गया था। पर कर्ण को अर्जुन के प्रति ये नहीं था। और आखिरी बार जब वह कहते हैं कर्ण को कि कर्ण जब जा रहे थे और उन्होंने एक वचन दिया अपनी माता को कि आपके 5 पुत्र जीवित रहेंगे, तो कितना महान था। देखो कर्ण को अपना रेपुटेशंस का बहुत ये था और वो दानशूर थे, उनको एस्टेब्लिश करना था, इसलिए एक दान देते हैं कि आपके 5 पुत्र जीवित रहेंगे। परंतु ये वचन के कारण उन्होंने बहुत बार युधिष्ठिर महाराज और एक बार भीम को प्राण लिया नहीं, ठीक है वो भी सही है, पर बहुत बार अभिमन्यु ने भी कर्ण को मारा नहीं क्योंकि अर्जुन की प्रतिज्ञा थी, तो उन्होंने भी उसका प्राण बचा इनके वचन के कारण। और भीम ने भी 2 बार नहीं मारा कर्ण को, 2 या 3 बार नहीं मारा कर्ण को, क्योंकि अर्जुन ने वचन लिया था कि मैं ही कर्ण को मारूंगा। तो ऐसा नहीं कि एक ही बाजू से प्रतिज्ञा लेने के कारण कर्ण बहुत महान थे, दोनों बाजू से वचन लिया था, इसलिए कर्ण का भी प्राण बहुत बार बच पाया। तो ये समझना बहुत आवश्यक है। तो कर्ण का मेन बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर समझना है पांडव और कर्ण में अंतर क्या है,
युद्ध होने के बाद पांडवों को जब कुंती बताती है कि कर्ण तुम्हारा बड़ा भाई था, युधिष्ठिर महाराज बहुत समय तक फटकारते हैं, डांटते हैं माता को कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो, और युधिष्ठिर महाराज रोने लगते हैं, अर्जुन रोने लगते हैं कि हमारे हाथों से हमारा भैया को मार दिया हमने, आप हमें बताए होते तो हमको ये राज्य वगैरह कुछ नहीं चाहिए था, हम उनको राजा बना देते। तो ये महानता थी पांडवों की, इसलिए कृष्ण उनके बाजू में थे, कृष्ण उनका साइड क्यों ले रहे थे, क्योंकि धार्मिक थे वो। और रही बात बच्चों का, तो वृषसेन को, वृषसेन बहुत ही शक्तिशाली था, और जब 11वें दिन लड़ने के लिए आता है वृषसेन हमारा कर्ण का पुत्र, तो सर्वप्रथम वो उप पांडवों को हराता है, मार नहीं देता है पर परास्त करता है, और द्रुपद को भी परास्त, द्रुपद पर भी भारी पड़ता है, और द्रुपद फिर रथ रथ को लेकर बाजू में लेके जाते हैं उनके सारथी। फिर उसके बाद अभिमन्यु को क्रूरता से मारना प्रारंभ करता है वृषसेन, पीछे से आकर उनको स्टैबिंग चालू करता है, पीछे से चाकू मारना या तलवार मारना प्रारंभ करता है अभिमन्यु को। तो ये अर्जुन को याद था, तो 17वें दिन कहते हैं वृषसेन को बचा सकते तो बचाओ अपने पुत्र को, कर्ण कुछ नहीं कर पाते, वृषसेन को मार देते हैं कर्ण अर्जुन। फिर उसके बाद भीमसेन जब कहते हैं कि दुशासन को मैं मारूंगा, तो कर्ण प्रयास करते हैं तो दुशासन को बचा नहीं पाते हैं, भीम दुशासन को मारते हैं, कौरवों को मारते हैं, और बाणसेन जो उनके पुत्र है और अनेक पुत्रों को, जो कर्ण के और अन्य पुत्र थे, उन सबको उनके सामने मारते हैं। परंतु युद्ध समाप्त होने के बाद उनका वृषकेतु करके एक पुत्र था कर्ण का, जो जीवित रहता है, तो वृषकेतु के प्रति बहुत प्रेम और स्नेह से उनको बड़ा करते हैं, और वृषकेतु को भी लगता है कि मेरे पिताजी ने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी, हमारे जो काका लोग हैं वो इतने महान हैं और उनके प्रति वो युद्ध लड़ लिए। वृषकेतु को कहते हैं कि आप राजा बन जाओ, आप मेरे बड़े भाई के पुत्र हो, आप राजा बन जाओ। तो कहते हैं मैं नहीं बनूंगा, आप हस्तिनापुर के राजा बनो। तो उनको इंद्रप्रस्थ, स्वयं का इंद्रप्रस्थ दे देते वृषकेतु को, पांडव लोग इतने महान हैं, इंद्रप्रस्थ जो देवता, इंद्र मतलब इंद्र का जो अमरावती है उसको भी हरा दे वैभव में, वो इंद्रप्रस्थ कैपिटल इनको दे देते हैं। और वृषकेतु को सब अस्त्र शस्त्र सिखाते हैं, कौन? अर्जुन। अगर कर्ण से द्वेष होता, अर्जुन को द्वेष नहीं था, रावलरी था केवल, जैसे कर्ण को द्वेष था पर अर्जुन के प्रति, इसलिए वो कहता है कि सबको छोड़ दूंगा पर उसको नहीं, कुंती माँ, कुंती अपनी माँ को। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कितने जाने के बाद व्यक्ति से भी कितना प्रेम था इनको, वृषकेतु को सब कुछ दिया। बाद में जब ये लोग संन्यास ले लेते हैं और हिमालय की दिशा में जाते हैं, तो अंग प्रदेश का भी राजा वही हस्तिनापुर, आपको पता है कि परीक्षित महाराज को दिया जाता है, तो इन सबको देकर वो चले जाते हैं। तो वृषकेतु के प्रति इतना प्रेम, कर्ण के प्रति इतना भाव, तो कर्ण की समस्या क्या हुई और कर्ण से हम क्या सीख सकते हैं? कर्ण से एक ही चीज़ हम सीख सकते हैं कि ही वैल्यूड वर्ड ऑफ ऑनर मोर देन लाइफ ऑफ ऑनर। शब्द दिया है, वचन दिया है, ये बहुत बड़ा बात है, मित्रता और दिशाहीन मित्रता निष्ठा के कारण जो जीवन धार्मिक जीना चाहिए उसको छोड़कर, अगर दुर्योधन उनके जीवन में नहीं आते तो कर्ण एक्चुअली बहुत धार्मिक रहते अंत तक, जो उनको गुण मिले थे कुंती देवी से और सूर्य से वो कंटिन्यू कर पाते, परंतु कुसंग करने के कारण, कुसंग इतना भयंकर है, बैड एसोसिएशन, कि अच्छे व्यक्ति को बुरा तो बना दिया पर उस बुरा होने के बाद बुरे व्यक्ति में भी अच्छा देखा उन्होंने। दुर्योधन काला डांबर है, एकदम एस्फाल्ट रोड जो दिखता उससे भी ज्यादा काला, इतना दुर्गुणी था, इतना द्वेषी था, उसमें भी वो सफेद रंग देखते थे। वो सींग गुड इन अदर्स अच्छा है, दैट इज गुड क्वालिटी, बट सींग गुड इन अदर्स बतला क्या है? कंपैशन से, दया से उसको उठाने के लिए, ना कि उसको और गोड़ करने के लिए या उसकी अहंकार को बढ़ाने के लिए। और इतना बड़ा युद्ध, और युद्ध के कारण करोड़ों लोग मारे गए, करोड़ों लोग माता विधवा हो गई, कारण कौन है? कर्ण का ब्लाइंड अटैचमेंट टू सो कॉल्ड नैतिकता, सो कॉल्ड मेरा शब्द, मेरा वचन। तो हमको शब्द और वचन देते हुए सोचना चाहिए किनको दे रहे और कहाँ दे रहे। तो इसलिए कर्ण निश्चित रूप से उनमें अच्छे गुण थे, परंतु कुसंग के कारण उन्होंने इस प्रकार का अपराध किया जो दुर्योधन को भी एक्सेल करके गया, क्योंकि दुर्योधन के दिमाग में भी ये नहीं आया था असत सभा में कि द्रौपदी दासी बनी है तो उसको निर्वस्त्र करना। तो अधार्मिक व्यक्तियों का संग करोगे तो उसको एक्सेल भी कर पाओगे और उसको पार करके उससे भी बड़ा अधर्मी व्यक्तियों से भी ज़्यादा अधर्म कर दोगे। तो आप सबने ध्यानपूर्वक सुना कर्ण के बारे में, इसलिए आप सभी का धन्यवाद। हरे कृष्णा, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।